हेलो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPC। आज हम लोग छत्तीसगढ़ और हिंदी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं, जो लगभग 40 के आसपास रहेगा। चूंकि आपको पता होगा CGPSC में जो सी सेट है ना, उसमें 40 प्रश्न के आसपास आपको देखने मिलेगा हिंदी और छत्तीसगढ़ी की भाषा से संबंधित। ओके, और CGSI में ये इसका वेटेज है लगभग 10 नंबर का हिंदी, 5 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ी और 5 नंबर का इंग्लिश। तो इंग्लिश इसमें कवर नहीं होगा, बाकी दोनों कवर हो जाएगा। ये सेट लगाने के बाद आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। खरीखा मढ़ा है घनी, तो छत्तीसगढ़ी ये जो शब्द दिया है ना, तो छत्तीसगढ़ी वाक के संबंधित है। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और यौगिक क्रिया विशेषण। ओके, तो खरीखा मढ़ा है घनी, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं। देखो, इस ये एक प्रकार का कालवाचक विशेषण है। तो विशेषण के चार प्रकार हैं, दिख रहा होगा। अच्छा, एक्चुअल में जो खरीखा मढ़ाए घनी का मतलब क्या होता है, 12 बजे के पश्चात धूप अधिक होता है। तो जो पशु होते हैं ना, वो 12 बजे के पश्चात छाया में बैठ जाता है, छाया मतलब पेड़ के नीचे में। तो इसी को बोलता है खरीखा मढ़ाए घनी, तो ये काल से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ी वाक्य, एक वाक्य दिया है, वाक्य को अच्छे से पढ़ना है आपको। देखो, बली राम और गंगा राम आदत व्यवहार में बरोबर हवा, इसका सही विकल्प को आपको चयन करना है। देखो, यहाँ पर औ मतलब होता है और, तो कुल मिला के दो शब्दों को जोड़ा गया है, तो ये कैसा होगा, ये यौगिक संबंध सूचक शब्द है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ओसहा पानी, ओसहा पानी का हिंदी अर्थ है दवा युक्त पेय पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के जो देशा शब्द है उनको सुमेलित करना है। देखो, दशा, दशा मतलब होता है बिछाना, दशा मतलब क्या होता है, बिछाना। सैकमी, सैकमी मतलब होता है बासी, रखने का पात्र, तो तीन। खुमरी, खुमरी मतलब होता है पत्ते की जो छतरी होती है ना, उसको बोलते हैं खुमरी। और लम्हा मतलब होता है खरगोश। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, 4, 3, 2, 1। तो लम्हा को किसको बोलते हैं, खरगोश। इंडिविजुअली भी प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहरे के विकास का जो सही क्रम है उसको आपको बताना है, कैसे मोहरे की उत्पत्ति हुई, कौन सा क्रम से गुजरा। देखो, मुहावरा एक पहले अरबी भाषा का शब्द था, इसको क्या कहा जाता था, मुहावरा, ठीक। उसके बाद ये फारसी में तब्दील हुआ, फिर उर्दू, फिर हिंदी, देन इसका जो उच्चारण हुआ ना, तब ये मुहावरा बना, मुहावरा शुद्ध रूप में बना। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, अरबी, फारसी, उर्दू, फिर हिंदी। तो इसका क्रम है, इसको ध्यान में रखना है, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि चिराइला झनमार में कौन सा निपात है। देखो, स्वीकारवाचक, सम्मानवाचक, तुलनात्मक या निषिद्ध। 1 मिनट। ओके, चिराइला झन, झन क्या होता है, मना करना, मत, ठीक है। चिराई को मत मारो, तो ये कैसा होगा, निषेधवाचक। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी शब्द दिया है जिसका हिंदी अर्थ दिया है, तो आपको मिलाना है। बिरथा, बिरथा से तात्पर्य है बेकार, छत्तीसगढ़ में बिरथा मतलब बेकार होता है। हबले, हबले मतलब होता है क्या, जल्दी से, जल्दी जल्दी, ठीक है। हाली, हाली से तात्पर्य है हाली मतलब हाल ही में काम करें, तो अभी। और अबेरहा मतलब होता है देर से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भैया, 3, 1, 2, 4। ये इंडिविजुअली भी आ सकता है ना दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्द रंचकन, रचकन का संबंध किससे है। देखो, रचकन एक प्रकार का परिणामवाचक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान में रखना, रंजकन मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी वाक्य मन पतियान, मन पतियान का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो इसका हिंदी अर्थ होगा पूर्ण विश्वास होना, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यथाशक्ति में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यथाशक्ति में यौगिक क्रिया विशेषण है। एक्चुअल में यथाशक्ति ये तो छत्तीसगढ़ी रूप है, तो इसका हिंदी रूप क्या होगा, यथा, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी शब्द परले होना, परले होना का हिंदी अर्थ क्या होगा। परले मतलब होता है दुर्भाग्य का आगमन, मतलब बुरा समय आना। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि समुच्चय सूचक शब्द या संयोजक से संबंधित वाक्य का चयन करना है निम्नलिखित में से। राम, लक्ष्मण और सीता बन गए, बन गए ये तो है। उसके बराबरी का मोटरसाइकिल चलाने का कोई नहीं, तो ये तो निषेधात्मक हो गए थे, तो कट जाएगा। तो जहां जहां दो दिखे काट दो, यहां काट दो, इसको काट दो। और देखते, ओके, तालाब में गले तक जल है, तो ये भी, ये अब देखो यहाँ पर जोड़ने वाला काम कहाँ हो रहा है, ठीक है। और
इस काम को ना सोहन करता है ना मोहन, तो ये एक प्रकार से कनेक्टिविटी है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या होगा, एक और चार, एक और चार, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी शब्द में लखठा किससे संबंधित है, मतलब क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, स्थान, परिणाम, यौगिक और काल। तो लखठा मतलब होता है पास, तो पास मतलब स्थान, तो इसका आंसर क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, लंग और डहर का जो सूचक है, देखो लंग मतलब होता है, लंग मतलब होता है तरफ, तरफ तरफ, और डहर मतलब होता है ओर। तो देखो तरफ ओर मतलब कुल मिला के दिशा का ये सूचक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, दिशा सूचक, शब्द सूचक है ये, दिशा का शब्द सूचक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में जो देशा शब्द है चिल्हरा का हिंदी अर्थ क्या होगा, चिल्हरा मतलब होता है क्या, गिलहरी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है कि पांच प्रकट में जो क्रिया विशेषण है उसको बताना है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पांच प्रकट मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, सीधा सामने सामना। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाय दादा में कौन सा संयोजन है, तो ये है व्यथा संयोजन। क्या है इसका आंसर, व्यथा संयोजन, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ी शब्द में अर्कस का अर्थ होता है, अर्कस मतलब होता है अंतिम वर्ष, क्या होता है, अंतिम वर्षा, जो पानी जब लास्ट में पानी गिरता है ना उसको बोलते हैं अकरस, अकरस। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी वाक्य में गुरु जी हर हमन ला बने समझाइस, तो गुरु जी हम लोग बने समझाइस, इसका निपात क्या है, तो गुरु जी को क्या करते हैं हम लोग, सम्मान, तो सम्मानजनक निपात, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है धाप भर में जो प्रयुक्त क्रिया विशेषण है उसको आपको पहचानना है। देखो इसकी पहचान बता दो, किसका, जिसका, ये उसका पहचान है। और धाप भर मतलब होता है जहां मनुष्य एक साथ में चले जाए, तो उसको बोलते हैं धापघर। तो एक साथ में चले जाए तो स्थान से संबंधित होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक विकारी शब्द नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है और सर्वनाम है, ये विकारी शब्द नहीं है ना, ठीक है, ये सब विकारी शब्द है। और विकारी शब्द नहीं है मतलब अविकारी, तो क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। अगला प्रश्न है कि रामायण कौन सा संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक, जबकि पुस्तक कौन सा है, जातिवाचक, ठीक है। सोना धातु ये क्या है, द्रव्यवाचक, और भाव, ठीक है, पुरुषत्व, ममत्व है ना, सौंदर्यता, औचित्य, ये सब क्या है, भाववाचक। ओके, अगला प्रश्न है ज्वालामुखी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, संज्ञा तो पांच प्रकार के होते हैं आपको जानना है, जबकि कामता प्रसाद वेदी के अनुसार तीन प्रकार है, तो उस ज्वालामुखी अनेक प्रकार के ज्वालामुखी हो सकते हैं ना, तो ये क्या है, उसकी जाति का बोधक करता है, तो जातिवाचक संज्ञा। अगला है कलाकारी में संज्ञा किस प्रकार की, भाव, जाति, द्रव्य या व्यक्ति। देखो कलाकारी मतलब एक कलाकार है जिसका भाव क्या है, कलाकारी, तो इसका आंसर क्या आएगा, भाववाचक। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये कपड़े भावना के हैं, ये कपड़े भावना के हैं। देखो इसमें आपको सर्वनाम पहचाना है, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार, जिसमें पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और छठवा। छठवा को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि छठवा कौन सा है, तो बता दो, ये कपड़े भावना के हैं, तो भैया ये मतलब निश्चयवाचक, यहाँ कोई आ रहा है तो ये अनिश्चयवाचक, जो जैसा करेगा वह वैसा पाएगा, ये संबंधवाचक, और पुरुषवाचक मैं खाना खाता हूँ, वह घूमने जाता है, तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष। अगला प्रश्न के बारे में बात करें, विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द है ना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्लियां कुत्तों से डरती हैं में कौन सा कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं भैया, आठ, कर्ता, ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय के लिए, अपदान में, अधिकरण में, अपदान से, अधिकरण में, संबंध का के लिए, इस प्रकार से आपको आठ प्रकार को पढ़ना है, ठीक है। और अब बता, बिल्लियां कुत्तों से डरती है, तो बिल्लियां किससे डरती है, कुत्ते से डरती है, तो एक प्रकार से क्या है, एक अलग होने का भाव आ रहा है, एक डरने का भाव आ रहा है, तो जहां डरने का भाव है वापस क्या होगा, अपदान, अपदान से, इस प्रकार से आपको उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह अभी पढ़ता होगा में कौन सा काल है, देखो वह अभी पढ़ता होगा वर्तमान में पढ़ रहा है लेकिन फिक्स नहीं है ना, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल, तो ध्यान में रखना हिंदी में जो काल है और छत्तीसगढ़ी में जो काल है उसको एक बार बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहां से अब प्रश्न बनने स्टार्ट हो गए हैं, साथ ही जो जितने भी चिन्ह होते हैं ना, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, सबको एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैं अभी पढ़कर आया हूँ, मतलब वर्तमान में वो काम पूरा कर चुका है, जस्ट अभी पूरा किया है, तो कैसे भूतकाल है, ये आसन्न भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए। ओके,
यदि वे पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। देखो, यदि वो पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, तो कुल मिला के पढ़ा नहीं तो फेल हो गया। तो ये होता है हेतु, हेतु मत भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में जो लिंग है ना और जोड़ी है, इनमें से कौन सा सुमिलित है। देखो, मोती स्त्रीलिंग, शराब पुरलिंग, चांदी स्त्रीलिंग, मूंग पुरलिंग। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसमें सिर्फ आंसर आएगा केवल दो, तीन सही है, सॉरी केवल तीन सही है, केवल तीन सही है। मतलब चांदी एक स्त्रीलिंग है, मोती एक पुरलिंग शब्द है, ध्यान में रखो दोस्तों, पुरलिंग। ओके, शराब एक बहुलिंग है, मतलब बोल सकते इसको बहुलिंग नहीं। देखो, मोती एक प्रकार का पुरलिंग है, शराब एक प्रकार का स्त्रीलिंग है, और मूंग एक प्रकार का भी स्त्रीलिंग है, तो चांदी एक प्रकार की स्त्रीलिंग है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर तीन सही है, बाकी गलत है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुरलिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी जुलाई अगस्त जितने भी महीने का नाम है ना, वो होता है स्त्रीलिंग, तो जुलाई है। जबकि दीप, जीरा, पराठा, ये क्या है, एक सब एक प्रकार का पुरलिंग है तीनों ना, और जबकि जुलाई क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, शक्तिमान में कौन सा प्रत्यय लगाकर उसको स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो शक्तिमान में मति प्रत्यय, मतलब शक्तिमान में मति प्रत्यय लगाओगे ना तो यही स्त्रीलिंग बन जाएगा। मरने का इच्छुक मुमूर्षु कहलाता है, और मरने का इच्छा मुमूर्षा, युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सा, और भूख का इच्छा बुभुक्षा, और भूख का इच्छुक मतलब बुभुक्षु, और भूख का इच्छा क्या हो गया, बुभुक्षु, याद रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, मामा शब्द, मामा शब्द एक प्रकार का कैसा है, एकवचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे प्रश्न देखे, इसका कुछ क्वेश्चन बचा, उसको अगले पार्ट में लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल।